म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। क्योंकि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के मार्केट को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के मार्केट में ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को कैसे एनालाइज करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज के इस वीडियो में आपको जिन पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूं, उन पैरामीटर्स को फॉलो करके आप लोग मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड की स्कीम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स डिपेंड करते हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम के असेट अंडर मैनेजमेंट पर। अगर किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट कम है तो इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न्स आपको उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि आपको आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट को विड्रॉ करने के टाइम पर आपके पेमेंट का सेटलमेंट होने में भी टाइम लगे। इसके अपोजिट में अगर किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको अपने फंड्स को विड्रॉ करना है तो आप काफी आसानी से अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अगर आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कितना है। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो एक तरीके का चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास से लेती हैं अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो यहाँ पर कंपैरेटिवली रिटर्न थोड़े से कम होते हैं। और इसके अपोजिट में अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम है तो माना जाता है कि उन म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो कम या ज्यादा क्यों होता है? देखो, मार्केट में दो तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली स्कीम होती है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की, जहां पर म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज किया जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद पोर्टफोलियो में रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है और पोर्टफोलियो को चेंज किया जाता है ताकि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सके। और ऑब्वियसली बात, अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा। और सेकंड टाइप की म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की। बेसिकली इन सारे म्यूचुअल फंड में इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपको इंडेक्सेस में दिखाई देगी उसी तरीके की परफॉर्मेंस इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में दिखाई देती है। तो यहाँ पर इन सारे स्कीम में एक्सपेंस रेशियो का जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद नंबर थ्री फैक्टर आपको चेक करना है म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स। किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न दिए हैं और क्या उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स में ग्रोथ आई है। क्योंकि पास्ट में अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में ग्रोथ नहीं आएगी तो फ्यूचर में भी ग्रोथ थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी लगती है और पास्ट की परफॉर्मेंस को देखकर ही फ्यूचर की परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है। अगर पास्ट में किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है तो माना जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में लॉन्ग टर्म में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद फैक्टर नंबर फोर आपको चेक करना है बीटा फैक्टर का। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न्स डिपेंड करते हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिस्क के ऊपर। तो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्कोमीटर देखना है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी चाहिए तो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम के जो बीटा फैक्टर हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न है, जो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा लो होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको चेक करनी है वोलेटिलिटी। किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की वोलेटिलिटी के बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि आप लोग उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर विड्रॉवल करना चाहते हैं तो आपके फंड्स के रिडीम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। यूजुअली किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड को रिडीम करने पर उसका प्रोसेस 3 दिन में होता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में वोलेटिलिटी नहीं है तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के स्कीम को रिडीम होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब भी आप लोग अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे तो आपको इन 5 फैक्टर को ऑब्जर्व करना है और इन 5 फैक्टर के ऊपर डिसाइड करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग इन 5 फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम मिलेगी जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा कर देगी। बाय द वे, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज बताई है। तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।